आज से दिल्ली में दो दिनों का G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक समेत ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील समेत दर्जन भर से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों का हुआ भव्य स्वागत। भारत मंडपम में सुबह 9:30 बजे से दिग्गजों का आगमन और वैश्विक महामंथन। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात, रक्षा, तकनीक और ट्रेड समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बाइडेन ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के लिए मोदी को दी बधाई, ट्वीट कर लिखा, भारत अमेरिका के बीच साझेदारी इतनी मजबूत पहले कभी नहीं थी। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भारत पहुंचकर कहा, हिंदू होने पर मुझे गर्व। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जय सियाराम कहकर किया स्वागत। सुनक ने खालिस्तान के मुद्दे पर दो टूक कहा, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे। आज रात राष्ट्रपति भवन में G20 मेहमानों के साथ डिनर, सभी राज्यों के सीएम को भेजा गया न्योता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट नहीं करने पर पार्टी नेता सरकार पर बरसे। भूपेश बघेल बोले, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात, असहमति का भी सम्मान होना चाहिए। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान, कहा पूरे विश्व के लिए आदर्श महा उपनिषद का संदेश, एक परिवार, एक पृथ्वी और एक भविष्य। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सनातन को खत्म करने की कही थी बात। यूपी के बरेली में हैवानियत, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर वीडियो मंगेतर को भेजा, दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश में जुटी पुलिस। उधार के पैसे मांगने पर पीड़ित की मुस्लिम सहेली और उसके दोस्त ने साजिश रचने का आरोप।